नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo R79 5G वर्सेस Tecno Power 5 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo R79 5G में 6.52 इंच जबकि Power 5 Pro 5G में 6.63 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo R79 5G में 2.99 इंच जबकि Power 5 Pro 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo R79 5G में 0.31 इंच जबकि Power 5 Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo R79 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo R79 5G में 193 ग्राम जबकि Power 5 Pro 5G में 220 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo R79 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo R79 5G में 6.72 इंचेस जबकि Power 5 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo R79 5G में 1080x2400 और Power 5 Pro 5G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo R79 5G में 86.63% जबकि Power 5 Pro 5G में 84.81% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo R79 5G में 392 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Power 5 Pro 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo R79 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और Power 5 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo R79 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Power 5 Pro 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo R79 5G में MediaTek Dimensity 6020 MT6833 और Power 5 Pro 5G में MediaTek Dimensity 6080 MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo R79 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि Power 5 Pro 5G में 0 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo R79 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Power 5 Pro 5G में 0 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
ओप्पो A79 5G 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें पोवो 5 प्रो 5G की तो वो 16,390 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Vivo Y75 5G है, तीसरा Realme Nazo 55G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 50 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।